सहारनपुर के मोहम्मद अमान को अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है और इस वक्त हम उनके घर पर हैं, देख सकते हैं ये उसका घर है और किस तरह से उसके घर पर प्लास्टर तो हुआ लेकिन आज तक पुता ही नहीं हो या गरीबी के माहौल में अमान ने अपना गुजर बसर की और आज अंडर 19 क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कप्तान बनकर उभरे हैं, जिसको लेकर के न सिर्फ जिले भर में खुशी का माहौल है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी खासा माहौल देखा जा रहा है। मेरा नाम शिबा है। शिबा, अमान कौन? अमान मेरा बड़ा भाई है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। आज उसका सिलेक्शन हो गया है, कैप्टन बना है अंडर 19 क्रिकेट टीम का, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है सबको, बहुत प्राउड फील हो रहा है, अभी बता नहीं सकते, बहुत खुशी है हम सब में, फैमिली वाले सब बहुत खुश है, गली वाले भी सब बहुत खुश है, बहुत बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं उसकी उपलब्धि को? उसको जिस तरह गरीब परिवार में आप बहुत उससे देखते हैं कि उसने बहुत संघर्ष किया है, उसकी मेहनत रंग लाई है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजों से निकल के यहाँ तक पहुंचा है। अब बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को, इतना प्राउड है कि हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा दिन हमारी लाइफ में आएगा। मेहनत वो ऐसे करता था कि मतलब उसने क्या किया है, जब वो छोटा था उसे क्रिकेट का शौक हुआ, पहले उसने बैट मांगा, थोड़ा महंगा बैट मांगा उसने जब छोटा था तभी, तो नहीं दिलाया तो वो बीमार हो गया था, उसको छोटे से कोई ये प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं करते थे, वो बीमार हो जाता था, फिर 2-3 दिन बाद अम्मी मान गई और उसे बैट दिलाया, उसके बाद उन्हें खेलना स्टार्ट किया, छोटे छोटे बच्चे लाता था, उन्हें पैसे देके बॉल कराता था उनसे, अम्मी भी बोलता था खेलने के लिए पर हमें बैटिंग कभी नहीं देता था, बॉल ही कराता रहता था। अभी फिर उसने अकेडमी स्टार्ट किया, यहाँ से बच्चे ले जाता था अकेडमी भी बॉलिंग के लिए कि मुझे बॉलिंग कराना, अब सबको बहुत उसके ऊपर प्राउड हो रहा है, जो बच्चे से बॉल कराते थे उनको भी बहुत खुशी हो रही है सबको। मम्मी पापा नहीं है? मम्मी पापा नहीं है, अम्मी पापा देखते थे उसे, जब उसकी कभी पहले फोटो आती थी अखबार में, जब वो अम्मी पापा थे तभी आ जाती थी, तो उसकी कटिंग करके रखते थे वो, उनको बहुत खुशी होती थी, अम्मी ने उसका बहुत साथ दिया, एक टाइम पे उसने हमारी अम्मी को बोला, मेरे पापा का बहुत पहले काम छूट गया था तो उसने बोला मैं कोई जॉब कर लेता हूँ, अम्मी ने बोला नहीं मैं हम कुछ भी करेंगे पर तू क्रिकेट नहीं छोड़ना। लास्ट टाइम फिर अम्मी चली गई, पापा का टाइम आया तो पापा बीमार हो गए, तब भी उसने बोला मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ, तो फिर वो क्रिकेट छोड़ ही रहा था, फिर उसके जो कोच है उन्होंने बोला कि तुम मत छोड़ो मेरे, वो जॉब के लिए बोल रहा था कि मुझे कोई जॉब दिला दो कपड़ों की शॉप पे, तो उसके जो कोच है उन्होंने बोला कि मेरी एकेडमी में तुम बच्चों को कोचिंग दो और यहीं प्रैक्टिस करो, जॉब की ज़रूरत नहीं है, उसका बहुत साथ दिया उन लोगों ने, बहुत खुशी होती है, अब उनको भी बहुत खुशी होती होगी। अम्मी पापा नहीं देख पाए उसको, अमान को बहुत दुख है इस बात का, बहुत दुख होता है। किस तरह से देखते हैं अमान की इस उपलब्धि को आज? ये तो जी इतनी बड़ी बात है हमारे जैसे गरीब आदमियों के लिए कि हम आपको बता भी नहीं सकते, हम कितने खुश हैं, हमारा पूरा परिवार और हमारे मोहल्ले के सब बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरह अमान यहाँ पहुँचा है बहुत मुश्किल होता है, बस अल्लाह ने उसकी अब बहुत साथ दिया, उसके साथ देने वाले बहुत रहे, अच्छे कोच मिले उसे, अच्छा साथ देने वाले करम शैफी मिले, और उसने इतनी परेशान है, उन्हें भी लगा कि बच्चा कुछ कर सकता है इसीलिए उन्होंने उसका साथ दिया, उसने इतनी परेशान हुए अपने घर के पीछे क्रिकेट खेल खेल के बॉल बांध के रस्सी में प्रैक्टिस की है, और यहाँ पीछे एक ग्राउंड है लाइनों के पास वहां पे खेला, तब जाके हमारे बच्चे ने ये मुकाम हासिल करा, बहुत गरीब घर से था, बहुत परेशानी वाली थी, जब उसके पापा गुजर गए, जब उसके पापा थे तो वो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर, तब अच्छी स्थिति थी, लेकिन जब उनके गुजरने के बाद बहुत बुरे हालात हो चुके थे, एक टाइम तो छोड़ने का ही मन बना बैठा था अमान, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, छोटा भाई भी मजदूरी टाइप का ही काम करता था, उसने भी बहुत साथ दिया भाई का अपने, कभी ये नहीं जाहिर करा कि भाई तू खाली क्रिकेट खेलता और हम काम करते हैं, बहनों ने भी, लेकिन आज यहाँ पहुंचा है तो हम इतने खुश हैं, बहुत खुश हैं, और मेरे अमान को सिर्फ ये तकलीफ है कि उसको देखने वाले दोनों में से कोई नहीं रहे, हमारा तो बच्चा बहुत अच्छा है जी, और यहाँ तक उसने हमारी भी इतनी इज्जत बढ़वाई, बस हम कह नहीं सकते कि अल्लाह उसे और आगे तरक्की दे जी, सब आ रहे हैं, पूरा मोहल्ला खुश है इस बात से, हमें पता नहीं था कि इतनी तरक्की करेगा वो, और क्योंकि वो बहुत पहले से ही बहुत मेहनत करता आता था, उसकी मेहनत ही उसकी रंग लाई। आप लोग भी क्रिकेट खेलते थे, आप लोगों ने छोड़ दिया? हम खेलते थे उसके साथ, हमें नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन उनने नहीं छोड़ा, उनने पूरी मेहनत ही करी क्रिकेट में, पूरा अपना
पूरा 100% क्रिकेट में देता था। कहीं भी अगर जो से बोलते थे कि भाई स्कूल, हम स्कूल लेने के लिए उसे जाते थे, फाइनल पेपर चल रहे हैं, उन्होंने कहा फाइनल पेपर मैं नहीं दे रहा, मैं क्रिकेट ही खेल लूँगा। हमें बस यही बहुत खुशी है। बताते हैं कि कुछ दोस्त आप लोग उनका मजाक भी बनाते थे? हाँ, बस कहते रहते थे कि भाई तेरा क्या, तू कपिल देव थोड़ा ही बन जाएगा, इतनी मेहनत कर रहा है तू, बस तू ही छा रहा है, तू सोच रहा है कि विराट कोहली बन जाएगा ये वो। हम काफ़ी मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब उसकी मेहनत रंग लाई आज वही सब। अब तो विराट कोहली के बराबरी में आ गया है, अब क्या कहेंगे दोस्त? अब तो दोस्त सारे खुश हो रहे हैं उसके, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। बस ये तो बताया भी नहीं जा रहा, इतनी खुशी हो रही है उसके लिए। तो अब आगे की किस तरह से देखते हैं आप, जब अमान घर लौटेंगे अंडर 19 का ऑस्ट्रेलिया सीरीज को जीत कर आएंगे? जी बहुत अच्छा स्वागत करेंगे जिस टाइम वो घर आएगा। अगर जो जीत का आएगा तो फिर आप स्वागत में भी आप ही आना, बना के जाना उसकी। आप दोस्त हैं, आपने उसको गरीबी से देखा है, जिस तरह से गरीबी के हालात में उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। एक समय यह भी था कि उनके पास बल्ला खरीदने के पैसे नहीं थे, बॉल खरीदने के पैसे नहीं थे, और यहाँ तक कि खाने पीने की भी लाले पड़े रहते थे। ये तो कई बार उस पे समय आया, खाने पीने का, उसका बैट वगैरह का, उस पे किट वगैरह भी नहीं थी जब वो अपना खेलता था। एक बार उसने कहा था कि यार ये सब कुछ छोड़ने का ही दिल कर रहा है, जब उसके पापा एक्सपायर हो गए थे उसने कह दिया था कि ये सब कुछ मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ऐसे घर गृहस्थी भी और बाकी उसके भाई बहन भी। कभी कभी तो वो ऐसा खेला करता था कि भूखा भूखा सो जाया करता। एक दिन वो भूख में प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब थक रहा था बड़ी धूप में, उसकी जब वायरल हो गया तो उसकी तबीयत भी जब भी ख़राब हो गई थी वहीं पिच पे प्रैक्टिस करता हुआ भी गिर गया था, उसने जब भी नहीं छोड़ा क्रिकेट, ऐसा खेला करता था। अब जिले भर में कैसा माहौल? जिले भर में बहुत खुशियों का माहौल है, पूरे हमारे कलारमपुरे में तो बहुत ही ज़्यादा उसके चर्चे ही हो रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ तो उनके दोस्त ने उनकी बुआ से भी बात की है, उनकी बहन से भी बात हुई है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अमान ने जिस गरीबी में अपनी गुजर बसर किया तो कहीं ना कहीं और उसकी मेहनत का फल है, जिस तरह से उन्होंने जीत और मेहनत की है क्रिकेट खेलने के लिए। उसने धूप छाया बरसात सर्दी नहीं देखी और लगातार प्रैक्टिस करता रहा, जिसका परिणाम आज अंडर 19 की कैप्टन टीम का कैप्टन बनने के बाद उसने सबको चौंका दिया है। भारत के लिए रोशन लाल सहनी, सहारनपुर।